लाहौल घाटी में देश के सबसे लंबे स्नो फेस्टिवल का रामलाल मारकंडा ने बौद्ध मंत्रोच्चारण के साथ बीच दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। स्नो फेस्टिवल के जरिए देश विदेश के सैलानी भी लाहौल स्पीति की परंपरा, रीति रिवाजों और संस्कृति से मुखाबित होने पहुंच रहे हैं। इस लाहौल घाटी के लोगों में क्या फायदा होगा इससे, देखिए ये रिपोर्ट। पर्यटन को बढ़ावा देने, जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने और समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्नो फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। रामलाल मारकंडा ने जिले के पारंपरिक खेल तीरंदाजी का तीर चलाकर शुभारंभ किया। स्वच्छता वाहन और सड़क सुरक्षा पर बर्फ में वाहन सुरक्षित चलाने को लेकर जिप्सी राइड को हरी झंडी दिखाई और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉलों का शुभारंभ किया। इस दौरान सांस्कृतिक लोक नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर युवाओं ने डांस किया और मॉडलिंग भी की। रामलाल मारकंडा ने कहा कि अटल रोहतांग टनल खुलने से लाहौल के लोगों को बर्फ की कैद से छुटकारा मिला है। ऐसे में अब स्नो फेस्टिवल हर साल मनाया जाएगा। अटल टनल रोहतांग बनने के बाद, खुलने के बाद जो है हमारी सोच कि लाहौल को 12 महीने जो है संसार से जोड़ा जाए। इससे पहले टनल नहीं बना था तो हम 6 महीने कट जाते थे। और इस स्नो फेस्टिवल का और फेस्टिवल मनाने का मुख्य उद्देश्य कि लाहौल स्पीति में जिस तरह से टूरिस्ट आना चाहिए और हमारी संस्कृति, विशेषकर हमारी संस्कृति जो है लुप्त होती जा रही है, आज इस फेस्टिवल के माध्यम से हमारे अपनी संस्कृति को आज आप देख रहे हो। स्टॉल लगा जिलाधीश के नेतृत्व से, उनके प्रयासों से जो है आप देख रहे होंगे। हमने यह कोशिश किया कि हमारी संस्कृति, हमारे व्यंजन, हमारे पोशाक, हमारे कल्चर, इसको जिंदा रखा जाए। एक को आने वाले समय हमारा जो ये पर्यटन का एक अट्रैक्शन केंद्र बनेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे ये कल्चर प्रोग्राम शुरू किया है। फेस्टिवल के पहले दिन स्थानीय व्यंजनों की धूम रही। मेहमानों के साथ कलाकारों को भी तरह तरह के पारंपरिक पकवान परोसे गए। स्थानीय डिश को लेकर प्रतियोगिता भी करवाई गई। वहीं डीसी पंकज राय ने कहा, इस तरह लाहौल स्पीति के पारंपरिक पकवानों को एक बेहतर मंच मिलेगा। इतना ही नहीं, स्थानीय निवासी रिंगजिन हायरप्पा ने कहा कि लाहौल घाटी सर्दियों के दौरान देश दुनिया से कटी रहती थी और अब अटल टनल बनने के बाद लोग लाहौल आ सकेंगे और स्नो फेस्टिवल जो करवाया जा रहा है उसके माध्यम से लाहौल की संस्कृति को भी देख सकेंगे।